मैं ना कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आऊँ जो कि बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाए, और आप लोग अप्रिशिएट भी करते हो कि तुम्हारी रेसिपी बहुत ही ईजी होती है और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है गाइस, सच्ची। तो आज मैं आप लोग के लिए मेथी मलाई चिकन की एकदम ईजीएस्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलो रेसिपी देख लो। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम चिकन को नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और सरसों तेल के साथ मैरिनेट करके रख देंगे। देन कढ़ाई में तेल गर्म होते हम इसमें डाल देंगे इलायची, काली मिर्च, कटे हुए प्याज, हरे मिर्च, टमाटर और काजू। अब कुछ देर के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर स्टर करते रहेंगे, देन मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढक देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ना प्याज ट्रांसलूसेंट और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो ये बनकर रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे एक दूसरे प्लेट पे डाल देंगे और इसे फैला देंगे जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि इसका हमें पेस्ट बनाना है। अब हमने यहाँ मेथी पत्ता चॉप कर लिया है और इसे उसी कढ़ाई में बिना तेल का थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब जो मसाले हमने फ्राई किए थे वो ठंडा हो चुका है, तो इसमें दही डालकर हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रहे दही रूम टेम्परेचर होना चाहिए। अब कढ़ाई में थोड़ा सा और सरसों तेल डालकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। देन मसाला पेस्ट जो हमने रेडी किया था उसे डालकर थोड़ा शक्कर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब हम सारे मैरिनेट किए हुए चिकन पीसेस इसमें डाल देंगे और मेथी पत्ता जो हमने फ्राई किया था उसे डालकर हम इसे थोड़ी देर के लिए स्टर कर लेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा जायफल पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर हम इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए स्टर कर लेंगे। और फिर इसमें हम ग्रेवी अनुसार थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आपको जितना चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हो। और फिर इसे थोड़ी देर के लिए स्टर करके हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक देंगे जिससे कि चिकन अच्छी तरीके से कुक हो जाए। और क्या, ये रेडी हो चुका है। अब ऊपर से फ्रेश क्रीम डालकर इसे गार्निश कर दो और टेस्ट तो इसका जस्ट लाजवाब था। तो इसे घर पे ट्राई करो, इसे रोटी, पराठा, नान या स्टीम राइस किसी के भी साथ एंजॉय करो, बहुत अमेजिंग लगेगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।